एक तो भगवान की कथा, दूसरा संतों का संग, क्योंकि संत ही भगवान के स्वरूप हैं, उनकी कृपा से भगवान को पाया जा सकता है। पर महाराज जी, संतों का लक्षण क्या है? तितिक्ष्वाहा कारुणिकाहा स्वहेदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांता साधवा साधुभूषणा। संत कौन? जो सदा भगवान में रमा रहे, अजात शत्रु हो, जिसका कोई ना मित्र हो ना शत्रु हो। संत कौन? जो बड़ा निर्मल हो। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा देय उड़ाए। ऐसे संत के चरण पकड़ने से भी भगवान की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है खुद का जागना, जिसे कहते आत्मज्ञान। उसको अंग्रेजी में कहते हु आई एम, मैं कौन हूं। इसी को जानना आत्मज्ञान। पर खुद को जानना आत्मज्ञान है, प्रभु को जानना परमात्मा का ज्ञान है। पर खुद को जानेंगे कैसे? बोले दर्पण से। दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, काले हो, कलूटे हो, गोरे हो, नाटे हो, मोटे हो, पतले हो, शीशा बता देता है आप कैसे हो। उसी प्रकार यह कथा भी दर्पण है। इसके सामने जब भी तुम बैठोगे, ये बता देगा कि तुम लंबी लंबी फेंकते जरूर हो, पर हो कितने पानी में ये कथा ही बता सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब ये बात आज समझ में आ गई कि कथा सुनना बहुत ही अच्छा। एक और बुरा न मानना, बोल देना चाहिए, बोलने वाली बात है। भगवान ने कान कितने दिए हैं और मुंह? भगवान ही स्पष्ट कह रहे कि सुनो ज्यादा बोलो कम। ये दो कान देने का मतलब क्या है? सुनो ज्यादा बोलो कम। और हम लोग उल्टा कर रहे, बोल ज्यादा रहे सुन कम रहे। इसलिए तो हैरान है, भगवान ने जन्म देने के बाद आदमी को दो पुड़ियां दी, दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। बोले क्यों दी? बोले दिल दिया भगवान ने खुद को लगाने, खुद में लगाने के लिए, दिमाग दिया दुनिया में लगाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल लगा रहे दुनिया वालों से, दिमाग लगा रहे भगवान लो। अबे कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया। अब ऐसा दिल टूटे ना तो क्या हलवा होए? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे समझो, ये बात ऐसे समझ आएगी। एक बार एक आदमी का पेट और आंखें दोनों खराब हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमारा पेट खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये पुड़िया लो, आंखें भी खराब हो गई, ये सुरमा लो, आंखों में सुरमा लगा लेना, चूरन खा लेना, पेट और आंखें दोनों ठीक हो जाएं। अच्छा, वो आया, दवाई तो उसने खाई पर पुड़िया बदल दी, आंखों का सुरमा चूरन समझ के खा गया और पेट का चूरन आंखों में लगा गया। परिणाम जो पेट थोड़ा मोड़ा ठीक था वो और ढीला हो गया, आंखें जो दिखाई दे रही थी वो और फूट गई। डॉक्टर के पास वापस गया, बोले तुम बहुत बेकार हो, दवाई खराब दी, उल्टा बर्बाद कर दिया। डॉक्टर बोले क्या हुआ? अरे बोले पेट बिल्कुल ही ढीला हो गया, अब तो पानी भी नहीं पच रहा, इधर से पियो बाहर हैं, ऐसी दवाई दी, शर्म नहीं आती तुम्हें? डॉक्टर बोले दवा तो हमने ठीक दी पर असर भी असर कैसे हो गई, उल्टा असर कैसे हुआ? पुड़िया दिखाओ। उसने दिखाई, ये पुड़िया हमने खाई, ये पुड़िया हमने लगाई। अरे डॉक्टर बोले तुम मूर्ख हो, दवाई तो ठीक है। बोले क्यों? बोले तुमने पुड़िया बदल दी, आंखों वाली पुड़िया पेट के लिए खा गए, पेट वाली पुड़िया आंखों में लगा गए। वही भगवान ने हमें दो पुड़िया दी, एक दिल एक दिमाग, दिमाग दिया दुनिया में लगाने के लिए, दिल दिया भगवान के चरणों में लगाने के लिए। जो इनको उल्टा कर देता है वही हैरान है, और जो महात्मा इसे सीधा कर लेते हैं, दिल लगाते भगवान के चरणों में, दिमाग दुनिया वालों में, कि तुम हमारे चरण तो पकड़ रहे स्वार्थ में कि निस्वार्थ में, हैं? ऐसा आदमी सफल हो जाता है। इसलिए मेरे पागलो, तुम्हें ये जो दिल मिला इसे भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग दुनिया वालों के सामने लगाना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की। पर ये ज्ञान भी कब संभव है?
बोले सदा से ब्या श्रीमद भागवती कथा, जो भगवान की कथा सुनेगा उसके अंदर ही यह बातें प्रविष्ट करेंगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कथा में भगवान से मांगना क्या चाहिए, अगला प्रश्न सुनो। कथा में भगवान से मांगना क्या चाहिए, कई लोग तो लिस्ट लेकर आते हैं, नौकरी मकान लुगाई पड़ोसी ठीक हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, मांगना क्या चाहिए। श्रेष्ठ उत्तर यही है, कथा में भगवान से कुछ नहीं, भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्या मांगना चाहिए बोलो, क्या मांगना चाहिए, भगवान को ही मांग लेना चाहिए।